कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो इंसान को ऊंट पे बैठने के बाद भी कुत्ता काट लेता है। हेलो नमस्कार, मैं अमित हयारन। और कहते हैं जाको राके साइयां मार सके ना कोई, ऐसे ही कुछ घटना आज अमेरिका के बोस्टन शहर में हुई, जहां पर पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एक हमले में बाल बाल बच गए। जैसा कि भारतीय कानून में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में एक पार्षद को या नगरपालिका अध्यक्ष को या विधायक को इतनी सिक्योरिटी होती है, और अमेरिका जैसी महाशक्ति के अंदर वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति का हमला होना बहुत ही सनसनी केस खबर है। पूर्व राष्ट्रपति इस हमले में बहुत बाल बाल बचे हालांकि, और हमलावर को भी पकड़ लिया गया है, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जब एक चुनाव रैली को संबोधित करने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में गए थे, जहाँ खचाखच भरे ग्राउंड में जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट करा तो हमलावर ने अपनी गोलियां दागना शुरू कर दी और 8 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें से उसने फर्स्ट राउंड में 3 गोलियां और सेकंड राउंड में 5 गोलियों से फायर किया। भीड़ में चीख पुकार मच गई और डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही बोल रहे थे उन्होंने अपने कान पे दाहिने कान पे हाथ लगाया, उनको कुछ गीला महसूस हुआ और वहां से खून की धार लग गई और वो उस मंच के पीछे छुप गए और सुरक्षा एजेंसी उन्होंने घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही हमला हुआ वहाँ चीख पुकार मची और डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षाकर्मियों ने जब घेर लिया तो उन्होंने उस सुरक्षाकर्मियों के घेरे से भी मुट्ठी दिखाकर अपने आप को कुछ कहने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मियों के घेरे से उनको वहाँ से गिरकर उनकी कार तक लाया गया। हालांकि हमलावर को मार दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, वे अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। प्रत्यक्ष दर्शकों के अनुसार भारतीय समय अनुसार रविवार प्रातः 4 बजे जब अमेरिका के उस राज्य में शाम के 6:30 बज रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप एक सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर जैसे ही आए और उन्होंने अपना संबोधन जहां स्टार्ट करा तो हमलावर ने उन पर गोली से 400 मीटर दूर के दायरे से फायर कर दिया। इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बाल बाल बचे। इसी घटना के हिसाब से अगर हम देखें तो एक अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर हमला होना अमेरिका जैसे शहर राज्य में देश में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ इतनी सुरक्षा व्यवस्था होती है और अमेरिकी राष्ट्रपति पे हमला होना एक बहुत बड़ी सनसनीखेज मामला है। हालांकि हमलावर को तुरंत ही मार दिया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति को सुरक्षित वहाँ से ले जाया गया है और अभी अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिलने की खबरें आ रही हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। एक्स पर लिखे उन्होंने एक अपनी पोस्ट में कहा है कि मैं अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर बहुत दुखी हूँ, मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ। हालांकि उन्हें आगे ये भी लिखा है कि घटना में घायल मृतकों को और उनके घायलों और मृतकों के परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और मैं डोनाल्ड ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस घटना से लेकर जहां पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस घटना की बहुत निंदा की है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वस्थ होने की और शीघ्र ही स्वस्थ होने की उम्मीद जताई है और उन्होंने प्रार्थना करी है कि वे स्वस्थ होंगे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे शहर को घेर रखा है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि हमला किस वजह से हुआ और हमलावर ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया है। अभी हम इस घटना पर बराबर खबर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बराबर बने रहिए द खबरदार न्यूज़ से। जय हिंद।